हेलो फ्रेंड्स, चिना की दिराया, कैसे हैं आप लोग? पता तो चल ही गया, आज मैडम जो है ना कन्नड़ा में बात करने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कन्नड़ा की ही बातें करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, पता है कौन सा? इधर उधर, इधर आओ, उधर मत जाओ, इधर बैठो, यही इंतजार करो, है ना यूजफुल? तो आज हम लोग उसी टॉपिक पे बात करेंगे। शुरू करें? चलिए, जैसे हमें बोलना है इधर उधर, इधर क्या बताई थी पिछले वीडियो में, जो भी चीज बिल्कुल पास में रहेगा इधर, उसकी शुरुआत ई से ही होगी। इल्ली, उधर अल्ली, अल्ली इल्ली, इधर इल्ली, उधर अल्ली, इल्ली अल्ली, इल्ली अल्ली, याद हो गया ना? चलिए, अब इल्ली और अल्ली का किस तरह से प्रयोग करते हैं उसे देखते हैं। जैसे हमें कहना है इधर आओ, इधर यहाँ पे इधर आओ, तो क्या बोलेंगे? इल्ली आओ के लिए क्या था? बा, इल्ली बा। या बड़े रहेंगे आइए, यदि हमें बोलना है आइए, इधर आइए, तो फिर क्या बोलेंगे? इल्ली बन्नी, बा बन्नी, याद है ना? आओ आइए, बा बन्नी, है ना सा? इधर आइए इल्ली बन्नी, इधर आओ इल्ली बा, ठीक है? चलिए, अब उधर जाओ, यदि हमें बोलना है उधर जाओ, उधर के लिए अल्ली, इल्ली अल्ली, उधर जाओ, तो क्या बोलेंगे? अल्ली के होगू, होगू मतलब मालूम है ना, होगू होगू जाओ, अल्ली के होगू, उधर जाओ। फ्रेंड्स, यदि ये चीज याद नहीं हो रहा है तो क्या करना है? इससे भी आसान ट्रिक्स, क्या करना है? जहां पे उसको बुलाना है उसी प्लेस पर चले जाइए और फिर उसी को बोलिए इल्ली बा, इल्ली बन्नी, है ना आसान? तो फ्रेंड्स, हमें बार बार इधर और उधर आना जाना ना पड़े, इसके लिए इधर के साथ साथ उधर भी सीखना है, ठीक है ना? उधर अल्ली, होगु जाओ, ठीक है ना? उधर जाओ अल्ली के होगु, उधर जाकर हमें फिर ना बोलना पड़े इधर आओ, इसके लिए, ठीक है? अल्ली के होगु, तो फ्रेंड्स अल्ली अल्ली के दोनों बोल सकते हैं। इधर जल्दी आओ, देखिए इधर आओ, इधर आओ इल्ली बा, इधर जल्दी आओ इल्ली के बेगा बा, इल्ली के बेगा बा। तो फ्रेंड्स, इल्ली भी बोलते हैं, इल्ली के भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, कन्नड़ा तो ऐसी भाषा है कि कर्नाटका में भी कितने तरह से बोली जाती है। तो हम जहाँ पे रहते हैं, हमें वहाँ के लोगों की भाषा को ध्यान से सुननी है और उसको सुनने के बाद हमें देखना है कि वहाँ पे किस तरह से बोलते हैं, इल्ली बोलते हैं या इल्ली के बोलते हैं, तो हमें फिर वैसा ही प्रयोग करना है, ठीक है? ये तो बेस है फ्रेंड्स, ये बेस है, इस बेस को ध्यान में रखिए और जहाँ के लोग जैसे बोलते हैं उसे वैसा ही बोलिए, ठीक है? चलिए, इधर जल्दी आओ और इधर आओ बोले जान गए इल्ली बा, ठीक है ना? इल्ली बा, इल्ली के बा। और इधर जल्दी आओ, जल्दी के लिए क्या था? बेगा, बेगा, तो इल्ली के बेगा बा, इल्ली के बेगा बा। और यदि बड़े लोग हैं, इधर जल्दी आइए इल्ली के बेगा बन्नी, कितना आसान है देखिए, इल्ली के बेगा बन्नी, हम बा बा नहीं बोलेंगे, बन्नी बोलेंगे, इल्ली के बेगा बन्नी। फ्रेंड्स, कहीं पे बन्नी और बन्नी री भी बोलते हैं, देखिए इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बन्नी री भी बोलते हैं, तो फिर इल्ली के बेगा बन्नी री, इल्ली के बेगा बन्नी री। तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ के लोग किस तरह से बातें कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, वही या उधर ही रुको, यदि हमें कहना है उधर ही रुको, उधर उधर के लिए क्या होगा? अल्ली हो जाएगा, तो अल्ले निल्लो, अल्ले निल्लो, निल्लो मतलब रुको, निल्लो 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 रुको, अल्ले निल्लो वही रुको, और यदि हमें बोलना है वही रुकिए, वही रुकिए या उधर ही रुकिए, दोनों बोल सकते हैं, उधर ही रुकिए, तो बोलेंगे अल्ले निल्ली, अल्ले निल्ली, कहीं कहीं पे अल्ले निल्लीरी का भी प्रयोग करते हैं, निल्लीरी, अल्ले निल्लीरी, अल्ले निल्लीरी, वही रुकिए, उधर ही रुकिए, अल्ले निल्लीरी, इधर सुनो, ठीक है? इधर सुनो, इल्ली इल्ली के लो, इल्ली के लो मतलब इधर सुनो, यहाँ सुनो, इल्ली के लो, उसी प्रकार से सुनिए, इधर सुनिए, तो क्या हो जाएगा? इल्ली केली, इल्ली केली, इधर सुनिए, इल्ली केलीरी, इल्ली केलीरी, दोनों बोल सकते हैं, केली केलीरी, ठीक है? इल्ली केलो, यहाँ सुनो, इधर सुनो, इल्ली केलो, इल्ली केलीरी, इल्ली केली।
क्लियरली इधर सुनिए, आप हमें बोलना है फ्रेंड्स उधर मत जाओ, उधर तो क्या बोलेंगे, अल्ली तो पता रहेगा ही रहेगा, अल्ली के मत जाओ मत जाओ, होगा बेड़ा होगा बेड़ा होगा बेड़ा मत जाओ। तो फ्रेंड्स उधर जाओ अल्ली के होगू, अल्ली के होगू, होगू था ना होगू मतलब उधर जाओ, होगू जाने के लिए, और मत जाओ तो फिर बेड़ा लगा देंगे, बेड़ा अल्ली के होगा बेड़ा मतलब उधर मत जाओ। यदि बड़े से बोलना रहेगा तो हम यहाँ पर कैसे बोलते हैं, अल्ली के होगी मतलब उधर जाइए, हाँ यदि हमें बड़े से बोलना है तो अल्ली के होगा बेड़ी, अल्ली के होगा बेड़ी, या फिर अल्ली के होगा बेड़ीरी बेड़ीरी। फ्रेंड्स आर फॉर रेस्पेक्ट एकदम याद कर ही लीजिए, ठीक है ना, जिसके पीछे नहीं रहेगा वो रेस्पेक्ट के लिए रहेगा। तो अल्ली के होगा बेड़ी या बेड़ीरी, अल्ली के होगा बेड़ीरी। तो कैसे बोलेंगे, अल्ली के वहां के लिए, होगा जाने के लिए, बेड़ा मत जाओ, बेड़ी मत जाइए, बेड़ीरी मत जाइए के लिए, रेस्पेक्ट के लिए, ठीक है ना। तो अल्ली के होगा बेड़ा बेड़ी बेड़ीरी, कैसे सामने वाला छोटा है बड़ा है उसके आधार में। इधर मत आओ यदि हमें बोलना है, इधर मत आओ, इधर के लिए इल्लीगे, इल्लीगे बरबेड़ा, इल्लीगे बरबेड़ा मतलब इधर मत आओ, इल्लीगे बरबेड़ा। यदि मान लीजिए कोई बड़े हैं तो इल्लीगे बरबेड़ी या फिर इल्लीगे बरबेड़ीरी, इल्लीगे बरबेड़ी बरबेड़ीरी कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। इधर देखो इधर देखो इधर देखो अपने साइड, इल्ली नोडो इल्ली नोडो इधर देखो, यदि कोई बड़े हैं बोलना है इधर देखिए तो नोड़ी नोड़ी इल्ली नोड़ी इधर देखिए, इल्ली नोडो इधर देखो, इल्ली नोड़ी इधर देखिए, ठीक है। चलिए इधर उधर मत देखो, ठीक है इधर उधर मत देखो, यहाँ दोनों का प्रयोग करना है, इल्ली अल्ली, इल्ली अल्ली, नोड़ बेड़ा अल्ली इल्ली, नोड़ बेड़ा अल्ली अल्ली इल्ली, उधर अल्ली इल्ली, उधर इधर नोड़ बेड़ा। यदि हमें कहना है इधर मत बैठो, यदि हमें बोलना है इधर मत बैठो, ठीक है इधर मत बैठो, तो बैठे के लिए क्या रहता है, कुलित बोलो कुलित बोलो, ठीक है। तो इधर मत बैठो, तो इधर इधर के लिए इल्ली, कुलित बोलो कुलित बोलो। फ्रेंड्स कुलित कोल्लू को बोलने के लिए बहुत ही प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो है ना ल का प्रयोग होता है, ल दो दो ल का प्रयोग होता है। तो जब देखिए हम लोग जब बातें करते हैं, ये हमारा जो मुंह है, एक ल का प्रोनाउंसेशन हम लोग कब करते हैं, यहाँ पे सीधे ल ल, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं ल। और जब दूसरा ल जो होता है सेकेंड ल जिसे बोल रहे हैं, उसमें जीभ जो है यहाँ पे टच होता है, ल ल ल, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं अल्लाह, ठीक है देखो। तो फिर पुलित कोल्लू इसमें जो है ना ये सेकंड ला, ये जो है ना सेकंड ला, इसका ही प्रयोग किया जा रहा है, इसको ध्यान रखें, ठीक है। देखिए पुलित कोल्लू पुलित कोल्लू इल्ली पुलित कोल्लू बेड़ा, यहाँ इधर मत बैठो, इल्ली पुलित कोल्लू बेड़ा इधर मत बैठो, यदि कोई बड़े रहेंगे तो बेड़ी बेड़ी, इल्ली कुलित कोल्लू बेड़ी इधर मत बैठिए, इल्ली कुलित कोल्लू बेल्ली इधर मत बैठिए, ठीक है। चलिए वहां या उधर ही बैठो, वहां ही बैठो, बैठो के लिए कुलित को तो क्या बोलेंगे, अल्ले कुलित को वहीं बैठो, अल्ले कुलित को कैसे बोलेंगे, अल्ले कुलित को, अल्ले कुलित को वहीं बैठो, अल्ले कुलित को वहीं बैठो। और यदि फ्रेंड्स बड़े रहेंगे तो फिर क्या बोलेंगे हम लोग, अल्ले कुलित कोल्ली अल्ले कुलित कोल्ली वहीं बैठिए, अल्ले कुलित कोल्ली वहीं बैठिए, कुलित को कुलित कोल्ली, ठीक है। चलिए अल्ले कुलित कोल्ली वहीं बैठिए, यदि हमें बोलना है फ्रेंड्स यहाँ ही इंतजार करिए, यही इंतजार करिए, ठीक है, यदि हमें बोलना है इधर ही इंतजार करिए, यही इंतजार करिए, यही हमें ऐसा बोलना है, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे, इल्ले कादिरु इल्ले कादिरु, तो फ्रेंड्स इल्ले कादिरु बोलते हैं, इल्ले कादिरु मतलब यही इंतजार करो, कादिरु। और उसके साथ साथ कहीं फ्रेंड्स काई भी बोला जाता है, कुछ लोग कादिरु भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे काई भी बोलते हैं, इल्ले काई इल्ले काई यही इंतजार करो, ठीक है ना, इल्ले काई यही इंतजार करो, अल्ले काई वहां इंतजार करो बोलने के लिए, ठीक है, इल्ले काई
यहाँ इंतजार करो, अल्ले काई वहां इंतजार करो, ठीक है। तो बोलना है इल्ले काई यहाँ इंतजार करो, इल्ले कादिरो यही इंतजार करो, और यदि हमें कोई बड़े लोग हैं तो फिर क्या बोलेंगे, इल्ले कादिरी, इल्ले कादिरी, इल्ले कादिरी यही इंतजार कीजिए, अल्ले कादिरी वहां इंतजार कीजिए, ठीक है ना। अब यदि हम काई बोलते हैं, ठीक है ना, इल्ले काई यही इंतजार करो, ठीक है ना, फिर उसको बोलेंगे इल्ले कायरी, कायरी, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इल्ले कायरी, इल्ले कायरी यही इंतजार कीजिए, अल्ले कायरी वहां इंतजार करिए। तो फ्रेंड्स कैसी लगी छोटी सी वीडियो, यहाँ वहाँ क्लियर हो गया ना। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि यहाँ वहाँ का प्रयोग तो बहुत ज्यादा होता ही रहता है, और अब जो है ना हम लोग भी अच्छी तरह से यहाँ वहाँ इल्ले अल्ले इल्ली अल्ली इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगले वीडियो में किसी उपयोगी टॉपिक के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।